आओ सची, जल्दी करो ना यार, मुझे तो भूख लग रही है। हाँ ठीक है। सची, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो तुमको। भगवान करे मेरे भी उम्र तुम्हें लग जाए। और मैं भी भगवान से यही दुआ करती हूँ कि हमारा प्यार यूं ही बना रहे। हैप्पी बर्थडे सची। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। ओफो सची, तुम भी ना। बापूजी की तबीयत खराब है, तुम तो जानती हो ना, बापूजी का इस दुनिया में मेरे सिवा और कोई नहीं है। अरे पगली, मैं तो मजाक कर रही थी। और भला मैं भी कभी तुझसे नाराज हो सकती हूँ? और फिर तू तो मेरी सबसे अच्छी सहेली जो है ना। ये चल अब दोबारा केक काटते हैं। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। तुम दोनों की खुशियों को किसी की नजर ना लगे और तुम्हारा प्यार यूं ही सलामत रहे। बाबूजी, खाना तैयार है। अरे हाँ चलो, खाना तैयार है। हाँ हाँ खाना चलो खाते हैं। चलिए चलिए चलिए, आओ बच्चे, आ जाओ आ जाओ। चलो देखो ना, कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट आए हैं, कितने सारे। ओहो, ये देखो ना कितना अच्छा है। पर मुझे तो सबसे अच्छा गिफ्ट गीता का लगा ना, कितना प्यारा गिफ्ट लाई है ना वो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है ना, तो अच्छा ही गिफ्ट देगी ना। ऐसे क्या देख रहे हो देव? देख रहा हूँ कि आज तुम कितना खुश नजर आ रही हो। ये खुशियाँ भी तो आप ही की दी हुई सौगात हैं। एक बात कहूँ सची? हाँ कहो देव। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या हुआ सची, मेरी आंखों में देखो। सुनो, नाश्ता तैयार है। आ रहा हूं।
लाओ सची। देव, कल की पार्टी में कितना मजा आया, सभी लोग कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट देकर गए ना। भाई मजा तो बहुत आया। भाई मजा क्यों नहीं आएगा, आखिर जन्मदिन किसका था हैं? लेकिन सबसे अच्छा गिफ्ट मुझे गीता का लगा, कितना प्यारा गिफ्ट देकर गई है ना वो। भाई प्यारा गिफ्ट तो देगी ना, तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली जो है। हाँ। और तुमसे कितना प्यार करती है, क्या हम तुमसे मोहब्बत नहीं करते? छोड़ो ना देव, क्या कर रहे हो? मालिक जल्दी चलिए, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। रामू। हाँ मालिक। तुम दुकान चलो, मैं पान खा के आता हूँ। ठीक है मालिक। अरे तुम काका बताएं भैया, हमरा हाल का है, अरे निकले थे पान खाने। अरे बनवारी भैया, क्या हुआ? अरे अरे देव भैया, कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे जो हमारी दुकान है ससुरी, इसके सामने से एक आइटम गुजरे हैं, तो हमारे दिल में क्या बताएं तुम कहा। चलो ठीक है, मत बताओ, कुछ भी मत बताओ, मगर अब बढ़िया सा पान तो लगाओ। हाँ हाँ बिल्कुल, लो पान लो भैया, पान अच्छा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल लो। कई के पान बनवारी वाला जाए। क्या बनवारी भैया, आप भी ना इन लड़कियों के चक्कर में पड़ते हैं। अरे बाबू साहेब, ये लड़कियां नहीं है, ये चाहे जिसका दिल घुमा सकती है। अरे छोड़ो ये सब बेकार की बातें हैं। लगता है देव साहेब आपका पाला किसी से आज तक पड़ा नहीं, अगर किसी से पड़ गया तो आप भी सब कुछ भूल जाएंगे। हाँ। अरे छोड़ो ये सब बेकार की बातें हैं, फिजूल की बातें हैं। अब आप पान लगाओ बढ़िया सा। हाँ हाँ लो, आपका पान बिल्कुल तैयार है, लो 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 लो, आपका पान बिल्कुल तैयार है, लो। बनवारी भैया जरा पान तो खिलाइए। हाँ हाँ भैया लो, बिल्कुल लो। अरे रमेश तू यहाँ? अरे देव तू? अरे यार और कैसा है तू? बस ठीक हूँ यार, तू सुना? मैं भी ठीक हूँ, चल कहीं चलकर बैठते हैं। अरे भैया जरा दो चाय तो दीजिए। और देव सुना क्या चल रहा है आजकल? बस कुछ नहीं यार, अपनी तो एक दुकान है जो भगवान की कृपा से बहुत अच्छी चल रही है। तू बता तू क्या कर रहा है आजकल? तू तो जानता है यार, अपना तो वही पुराना वाला काम, इधर का उधर, उधर का इधर। अबे साले तू नहीं सुधरेगा, वैसा का वैसा है। पर हाँ यार तू यहाँ कैसे? मत पूछ यार, क्या बताऊँ क्या चीज है यार, साली सीधा दिल पे वार करती है यार, हाय दीवाना बना दिया है उसने मुझे यार। मैं कुछ समझा नहीं यार, तू किसकी बात कर रहा है? हम तो हुस्न वाले हैं, हुस्न की बात करते हैं, हम उन पर और वो हम पर मरते हैं। यार तू शेर तो बोल रहा है, मगर तू उलझा मत यार, तू कहना क्या चाहता है ये बता ना। देव एक बार मेरे साथ तू चलकर तो देख। समझ गया मैं, मगर मुझे यह सब पसंद नहीं है। अरे तू मेरे साथ चल तो सही, फिर देखना तेरी नापसंद जो है ना पसंद में बदल जाएगी। अरे छोड़ यार, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। तो लगी शर्त? लगी शर्त। Thank you.
दिनेश, कहाँ ले आए मुझे? मस्ती की छाँव में। आजा दोस्त, जिंदगी के मायने बदल जाएंगे। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? अरे तू चल तो सही, जब हुस्न की मलिका का दीदार होगा ना तो तेरे होश उड़ जाएंगे। नहीं, मुझे पसंद नहीं यार। रमेश, क्या यार, मैं यार तो रहने दे। हाय नैना। अरे रमेश बाबू, आज आपको हमारी याद कैसे आ गई? कैसे हो आप? और ये सब कौन है? अरे हम तो आपकी अदाओं के गुलाम हैं। दिल ने कहा और तुम्हारी दहलीज पे चले आए, और ये हमारे दोस्त हैं देव, जोहरी हैं, हीरे की परख बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, इसीलिए इन्हें तुम्हारे दीदार के लिए ले आए। ठीक है, आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, आओ देव। अरे आओ आओ मदन भाई साहब, एक हाथ हो जाए। We'll be right back.
कब से आपका इंतजार कर रही हूँ और आज इतना लेट, क्या बात है देव? ओफो सची, तुम भी ना बेकार में परेशान रहती हो। आज थोड़ा काम ज्यादा था, लेट हो गया। पर देव मेरी बात तो सुनो। देव मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं, अब सो जाओ, बहुत देर हो चुकी है और मुझे भी नींद आ रही है। आज मुझे भूख नहीं है और हाँ, आज मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, वो दुकान पे काम ज्यादा है। ठीक है, चलता हूँ। पता नहीं आजकल देव को क्या होता जा रहा है, ना ठीक से खाते हैं ना ठीक से बातें करते हैं। देव सुबह से शाम हो गई है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। सोने दो ना यार, तू जगा रही हो मुझे, कितनी प्यारी नींद आ रही है। पर देव तुम्हारी पत्नी क्या होगा उसका, वो मेरा इंतजार किए बगैर नहीं रहती है और मैं तुम्हारे बगैर। अच्छा देव एक बात कहूँ? हाँ कहो। वो जो मेरा सोने का हार था वो कहीं गुम हो गया है और वो दो तीन दिन से मिल भी नहीं रहा, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था देव। तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात आ गई? हाँ? मैं तुम्हारे लिए दूसरा हार ला दूंगा और उससे भी अच्छा। ओ देव तुम कितने अच्छे हो, मैं तुम्हें कुछ भी चीज के लिए कहती हूँ तुम मुझे लाकर दे देते हो, वो चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो। हाँ तो मैं सोच रही थी कि कहीं तुम्हारे दिल में ये तो नहीं कि मैं ये सब गहने और पैसों के लिए कर रही हूँ। नहीं नैना, ऐसा दोबारा मत कहना, तुम्हारे आगे धन दौलत इन सब का क्या मोल। ओ देव तुम कितने अच्छे हो। है ना, राम राम सेठ जी। अरे राम राम, राम राम भाई। सेठ जी आपसे एक छोटा सा काम आन पड़ा। हाँ बोल बोल। काई बात? कुछ पैसे चाहिए थे। पैसा? हाँ सेठ जी। अरे भाया देख, पैसा तो मैं तने दे दे शु, पर एक बात बता, तू बने चुकाओ वो क्या? मैं तो सुनियो आजकल थारो धंधो भी मंदो चाल रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए सेठ जी, मैं आपकी पाई पाई चुका दूँगा। तू बैठ बेटा, एक मिनट देखू मैं, रुक। तारी किस्मत अच्छी है जो आज ही आया है पैसा। ले बेटा, पूरा 50,000 है बेटा। एक मिनट रुक। सेठ जी आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? अरे नहीं बेटा, मैंने विश्वास थारा पर है, नहीं है कि आजकल जमानो खराब है बेटा, ये बात है। लिखबो जरूरी है बेटा।
50,000 है पूरा है, गिन लीजिए। अब ठहर बेटा थोड़ा। जल्दी दे दीजिए बेटा, कहें कि बाजार आजकल मंदो चल रहे हैं थोड़ो। ठीक है सर, धन्यवाद सर। अच्छा बेटा ठीक है। सच्ची ये पैसे अलमारी में रख दो। अरे सुनती हो? हाँ देव। जो मैंने तुम्हें कल पैसे दिए थे रखने के लिए, वो मुझे वापस चाहिए। अभी कल ही तो आपने पैसे दिए थे और आज आप फिर? तो क्या हुआ, मेरा पैसा है, मैं ही मांग रहा हूँ, तुम्हें इनकार क्यों? देव मैं इनकार नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ यही कह रही थी कि वो पैसा आपको व्यापार के लिए ही चाहिए ना। हाँ व्यापार के लिए चाहिए, और मुझे किसी को दान थोड़े देना है। ठीक है लाती हूँ। अब पैसे के नाम पे कुछ भी नहीं है देव, जो है बस यही है। ठीक है, शाम को घर जल्दी आ जाना। बस अब रहने दो, अगर काम से जल्दी निपट गया ना तो। अपना शो ये तुम्हारा सर, ये तो क्या बे, चलो अपना हो गया। अरे गणेश राम करो को, अरे वो खेलता है कब से, खेलना चुका दो नंबर के काम का था। गलती हो गई, अरे गलती हो गई, अरे गलती हो गई साहब, बात करो। ओ देव तुम आ गए। आ गया मेरी जान, नसीली आंखों से जब वो हमें देखते हैं हम घबरा कर अपनी आंखें झुका लेते हैं। कौन मिलाए उन आंखों से ये आंखें, सुना है वो आंखों में अपना बना लेते हैं। वाह वाह, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। मेरे लिए कुछ लाए हो क्या? चलो दिखाओ तो सही। ऐसे नहीं दिखाएंगे, पहले अपनी आंखें बंद करो। ओ देव तुम भी ना। अच्छा लो। सुंदर है, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं तो मजाक कर रही थी। बस कुछ नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है समझी। मैं दुनिया की सारी दौलत सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में डाल दूं, तुम सिर्फ मेरी रहना, सिर्फ मेरी। ओ देव तुम कितने अच्छे हो। रामू। नमस्ते मालकिन। नमस्ते, क्या बात है रामू, आज तुम दुकान पर नहीं गए? क्या बताऊं मालकिन, दुकान तो
कई दिनों से बंद पड़ी है मालकिन। क्या बंद पड़ी है? हाँ मालकिन, साहब कई दिनों से दुकान पर ध्यान नहीं दे रहे और सारा का सारा काम धंधा चौपड़ हो गया है। पर वो तो रोजाना ही जल्दी दुकान के लिए निकल जाते हैं। अब क्या बताऊं मालकिन, साहब आजकल क्या बात है रामू, सच सच बताओ, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अब मैं क्या बताऊं मालकिन, साहब आजकल उस नैना बाई के चक्कर में पड़े हैं। नैना बाई? कौन है ये नैना बाई? आप नहीं जानती मालकिन, नैना बाई इस इलाके की मशहूर वेश्या है। वेश्या? क्या इसका मतलब वो इतने दिनों से मुझसे झूठ बोलते रहे। ठीक है मालकिन, अब मैं चलता हूँ। हिम्मत रख सची, सब ठीक हो जाएगा। चल तो ये है आपका व्यापार। क्यों, क्या हुआ व्यापार को? व्यापार को क्या होगा, हुआ तो तुम्हें। जो कहना है साफ साफ कहो, मुझे नींद आ रही है। क्या है उस पराई औरत में जो मुझ में नहीं है, जिसके लिए आप अपने घर को भी भूले जा रहे हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं देव, मैं उस नैना बाई की बात कर रही हूँ जिसकी वजह से आपने अपना सारा व्यापार बंद कर डाला और घर के सारे पैसों को गंवा दिया। अपनी बकबक बंद भी करोगी? यो देव, आपको ये बकबक लगती है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अब भी समझ जाओ, उस पराई औरत के लिए अपने धन को बर्बाद मत करो देव। मेरा धन है, जिसे चाहे दूं, जहां चाहे बर्बाद करूं, तुम्हें उससे क्या? मुझे है, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूं और हर पत्नी का अधिकार होता है अपने पति और उसके घर पर। तो मैंने कब कहा तुम्हारा अधिकार घर पर नहीं है? तुम्हारा अधिकार घर पर है और इसे घर तक ही सीमित रखो, समझी? मान लो मेरी बात देव, छोड़ दो उस पराई औरत का साथ, क्योंकि वैश्याएं किसी की नहीं होती है देव, ये सिर्फ धन की लालची होती है। ये तुम्हारी सोच है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। हाँ, तुम्हें तो सिर्फ उसी से मतलब है ना, मुझसे तो कुछ भी नहीं। हाँ है। राम राम सेठ जी। राम 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 सेठ जी, मुझे थोड़ा और कर्जा चाहिए सेठ जी, वो पहले वाला और ये दोनों साथ लौटा दूंगा सेठ जी। तेरी हालत बहुत खराब चल रही है सेठ जी, व्यापार में भी बहुत नुकसान हो गया सेठ जी। सेठ जी लेकिन जल्दी सब ठीक हो जाएगा, आप मुझे 50,000 रुपये दे दीजिए, जल्दी आपके लौटा दूंगा। भाया मारे कने पीसा को पेड़ को नहीं लाग रहे हो, जो थारा हुकम होता ही तोड़ कर तने दे दूं, पीसा आई को नहीं कठूं दूं। हैं सेठ जी, अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए ना तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा सेठ जी। भाया बाजार की हालत बहुत खराब चल रही है, पैसा अभाव में बड़ी अड़चन पैदा हो रही है, फिर भी तू बैठ एक मिनट। पीसा कोनी भाया, तू एक काम कर जे, काल आ जा जे, काल होसी तो पीसा तने मिल जासी, अब आ रही कौन? सेठ जी मुझे पैसों की आज जरूरत है सेठ जी, कल क्या करूंगा सेठ जी। अरे भाया पीसा है कोनी, देऊं कठो। सेठ जी एक काम कीजिए सेठ जी, अब मारो टाइम मत खराब कर। ये मेरी चेयर ये अपने पास रख लीजिए सेठ जी। Hello.
अपने पास रख लीजिए सेठ जी, ये गुट्टी भी ले लीजिए सेठ जी, ये भी आप रख लीजिए सेठ जी, लेकिन मुझे पैसों की जरूरत है सेठ जी, आप उस पर रहम करिए सेठ जी और मुझे पैसा दे दीजिए सेठ जी, मुझे पैसा दे दीजिए। एक काम कर जे भाई, आ थारा सामान मारे के ना मिल जा और तू काल आ जा, जो काल अगर पीसा होसी तो तले मिल जासी, और नहीं तो थारो पिछला हिसाब में चूक तो कर दू, तो थारो भी बोझ हल्को हो जावे। नहीं सेठ जी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते सेठ जी। तू एक काम कर, तले कह रही हूँ तू काल आ जा जे, पीसा होसी तो दिन जैसी है अबार है कौन किसा पतो तो नहीं कठे कठे सा। आज तो सुबह पहली अच्छो काम हो गो है। आ गए आप? हाँ, तो अभी तक सोई नहीं? हाँ? सोई नहीं? पति घर से बाहर हो और वो भी आधी रात गए, तो मुझे भला नींद कैसे आ सकती है? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। देव, आज आप शराब पी कर आए? ये लो, तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे मैंने शराब पीकर कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। पी है? मैंने शराब पी है? अपने पैसे की पी है, किसी के बाप के पैसे की नहीं। और तुम सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। नैना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नैना, तुम मेरी हो नैना, तुम सिर्फ मेरी हो।
नैना। नैना। अरे अरे कहाँ मुंह उठाए चले आ रहे हो? नैना मैं देव। कौन देव? मैं किसी देव वेव को नहीं जानती। नैना मुझे पहचानो, मैं देव हूँ तुम्हारा, मेरी आवाज को पहचानो। कौन सी आवाज? किस आवाज की बात कर रहे हो? ये नैना का घर है, यहाँ पे सिर्फ पैसों की खनकती हुई आवाज सुनाई देती है, तुम जैसे भिखारियों की नहीं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो नैना? वही जो तुम सुन रहे हो, यहाँ तुम्हारे जैसे भिखारियों की कोई जगह नहीं है। नैना नैना तुम मेरे साथ क्या नैना नैना की रट लगा रखी है? चले जाओ यहाँ से। मेरी बात तो सुनो नैना, मैं देव। तुम यहाँ से जाते हो कि तुम्हें धक्के देके निकालूं? कहती हो तो यहाँ सिर्फ धन की खनकती हुई आवाज पहचानी जाती है, हमारे जैसे इंसानों की नहीं। चाची वैश्याएं किसी की नहीं होती है दीदी, ये सिर्फ धन की लालची होती है। चाची तुम ठीक कहते थे, ये पराई औरतें किसी की नहीं होती। काश मैं तुम्हारी बात मान लेता, लेकिन अब क्या, अब तो कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ बर्बाद हो गया। अरे देखो देखो ये जा रहा लैला का मजनू। बड़ा मजनू बना फिरता था, कहता था लैला तो मेरी है। अरे यार पुत्री हो बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। अरे दोना कहता जैसी करनी वैसी बननी। क्या हुआ देव, बहुत परेशान लग रहे हो? मुझे माफ कर दो सची, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, मैंने तुम्हारे विश्वास को ठेस पहुंचाई है सची। नहीं देव, मैंने तुम्हारी सारी खुशियों का गला घोट दिया सची, मुझे माफ कर दो। काश उस दिन मैं तुम्हारी बात मान लेता ना, तो आज ये नौबत लग आती सची। मुझे माफ कर दो सची, मुझे माफ कर दो सची, मुझे माफ कर दो। नहीं देव, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, और फिर मेरे लिए इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं तो माफी के काबिल भी नहीं हूँ सची, भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। ऐसा मत कहो, कभी माफ नहीं करेगा सची, कभी माफ नहीं। हिम्मत से काम लो और भगवान को प्रणाम करो, मुझे माफ कर दो सची, मुझे माफ कर दो सची, मुझे माफ कर दो। सची सची क्या हुआ जी? सची देखो देखो ये मेरे शरीर पे क्या हो गया सची,
सची, ये क्या हो गया सची? हे भगवान, ये क्या हो गया? सची, ये क्या हुआ सची? तुम चिंता मत करो, मैं अभी डॉक्टर को बुलवाती हूँ। देखिए, ये रोग बहुत बुरा है। अब इनका ठीक होना ईश्वर के हाथ में है। फिर भी मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूँ। ये इनको असर करती हैं तो ठीक है, नहीं तो अभी नहीं। दवा से ज्यादा सिर्फ दुआ की जरूरत है, क्योंकि ये रोग अब दिनों दिन बढ़ता ही जाएगा। ये दवाइयां आप इनको देते रहिए। सच्ची, ठीक है, मैं चलता हूँ। सच्ची, डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे सच्ची? हाँ, क्या मैं बचूंगा नहीं सच्ची? नहीं देव, कुछ नहीं होगा तुम्हें देव। हा? कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं मर जाऊंगा सच्ची। नहीं देव, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे भैया बोल। सेठ जी। आ तो भाई है। शहर की सब दुकान में आपनी दुकान से सोचो की है। जनाई तो एक आवे और एक जावे। पर तन्ने के देना है भाई। तो असली है पर काय है, चीज ले वासु पहल्या चीज ने परख लेना चाहिए। ये ले भाई थारो दाम और कर थारो काम। बार ऊपर वाला नीली छतरी वाला आज तो सुबह पहले ही चौकी पौनी करा दी। Thank you.
दर्द हो रहा है चाची। बस ये हो गया हो गया। आ, 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 श्याम दे। लगता है बाहर कोई साधु महाराज है, मैं अभी आती हूँ। भिक्षाम देही, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। प्रणाम महाराज। भिक्षाम देही। बेटी। बाबा, घर में आपको देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है, मुझे माफ कर दो बाबा। जो मैं घर आए हुए संत को कुछ भी ना दे सकी। जय श्री श्याम। कोई बात नहीं बेटी, तुम्हारी आंखों से बहने वाले आंसू तुम्हारे दुखों को बयां कर रहे हैं बेटी। बाबा। ना बेटी, ना रो मत। सुख और दुख तो धूप और छांव की तरह होते हैं। सुख के बाद दुख आता है, तो दुख के बाद फिर से सुख भी आता है बेटी। तुम्हारे दुखों का कारण मुझे बताओगे बेटी? शायद कोई रास्ता निकल आए। बाबा, जिस घर से आज भिक्षा के नाम पे आपको कुछ भी नहीं मिला, वो घर पहले ऐसा नहीं था, और अचानक एक दिन
और इस तरह मेरा हंसता खेलता परिवार उस पराई औरत की वजह से बर्बाद हो गया। उस दिन से आज तक घर का बचा हुआ सामान बेचकर गुजारा चला रही हूँ और अब तो उनके बीमारी भी बढ़ती जा रही है। तू चिंता मत कर बेटी, तू चिंता मत कर, ये सब भाग्य का लेख है जो इंसान को भोगना ही पड़ता है और तुम्हारे भाग्य को बदलने का सिर्फ एक ही उपाय है बेटी, और वो है श्री खाटू श्याम बाबा। श्री खाटू श्याम बाबा? हाँ बेटी, श्री खाटू श्याम बाबा। वो बड़ा दयालु है, वो हारे का सहारा है। सुना है आज तक उसके द्वार से कोई खाली नहीं गया, जो भी जैसी इच्छा लेके वहां जाता है बाबा उसकी इच्छा पूरी करते हैं। क्या? मैं भी जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी श्याम प्रभु के दरबार। आप मुझे बताओ उनका स्थान कहाँ है? तो सुनो बेटी, मरुधर प्रदेश के सीकर जिले में रिंगस के पास कुछ ही दूरी पर श्री खाटू श्याम का परम धाम है। वहां कलयुग के देव श्री श्याम धनी विराजते हैं। वो हारे का सहारा, लख दातार, बड़ा ही दयालु है बेटी। वहां हर किसी के कष्टों का निवारण होता है। वो अंधों को आंखें, बांझ को पुत्र और कोढ़ियों के कोढ़ मिटाता है। तुम एक बार वहां जाओ, बाबा तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। जय श्री श्याम। हाँ बाबा, मैं श्याम बाबा के यहाँ जरूर जाऊंगी। अब वो ही मेरा सहारा है और वो ही मेरी विनती सुनेगा, जरूर सुनेगा। लो बेटी, ये बाबा का प्रसाद है। अच्छा, श्री श्याम प्रभु तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। देव, देव, सुनो देव, द्वार पर एक साधु महाराज आए थे, पता है उन्होंने क्या कहा देव? द्वार पर एक साधु महाराज आए थे, क्या कहा उन्होंने? देव, उन्होंने कहा कि राजस्थान के खाटू श्याम में श्याम बाबा का एक बहुत बड़ा मंदिर है और उस मंदिर में जो भी जाता है उसकी सभी इच्छाएं वो जरूर पूरी करते हैं। देव, सच? ऐसा हो सकता है? क्या मैं ठीक हो जाऊंगा सच? हाँ देव, हम वहां जरूर जाएंगे। सच? हम वहां जरूर जाएंगे, तुमने कह दिया सच। लेकिन लेकिन हम वहां कैसे जाएंगे सची? हमारे पास तो वैसा भी नहीं है सची, कुछ भी नहीं है। हम कैसे जाएंगे माता जी, हम कैसे जाएंगे? देव, हम वहां जरूर जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम जरूर जाएंगे वहां। नहीं चाची, मैं मर जाऊंगा चाची। देव, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें देव, कुछ नहीं होगा। हम जरूर जाएंगे वहां, जरूर जाएंगे हम वहां। सेठ जी, कौन है? ओ भाई, तू फिर आ गई। अब कहीं बेचने आई है? सेठ जी, अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर के करना आई है भाई अठे? सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, वक्त आने पर वापस कर दूंगी।
पण भाई पैसा की तो बहुत तंगी चाल रही है, पैसो कठिन सु हारे कोनी। पण अशोकाय काम आ गयो के तने पैसा की अतरी जरूरत आन पड़ी है? मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर की दवाइयों का भी उन पर कोई असर नहीं हो रहा है। अब तो केवल उनका एक ही सहारा है, खाटू श्याम जी। मैं उन्हें खाटू श्याम जी के यहाँ ले जाना चाहती हूँ, अब केवल वही मेरी मदद कर सकते हैं। बस उसी के लिए पैसों की जरूरत है सेठ जी। पण भाई पैसों चीज ऐसी होवे कि एक बार जो कोई उधार ले जावे तो वापस देबा को नाम ही कोनी लेवे। और फिर थारे के ना ऐसी कोई चीज भी कोनी जिन्हें गिरवी रख सका। एक काम हो सके है भाई, थारो यो मंगल सूत्र तू भेज दे और इके बदले पीसो ले ले। नहीं सेठ जी, मैं ये मंगल सूत्र नहीं दे सकती। क्यों, के हुयो भाई? ये मंगल सूत्र मेरे पति की निशानी है, और एक सुहागन अपने पति के जीते जी भला अपना मंगल सूत्र गले से कैसे उतार सकती है। अरे ओ भाई, भगवान ना करे कि शो होवे, पण जद पति नी रेवे गो तो पति की निशानी ने के अचार डालेगी है? शुभ शुभ बोलिए सेठ जी। भाई शुभ शुभ ही बोल रहे हूँ, मंगल सूत्र ने भेज दे ई के बदले पीसो ले ले, थारे कने पीसो होवे गो जदी तो तू थारा पति ने खाटू श्याम जी के ले जाओगी। ये मैं शुभ ही तो है ने, थारे लिए भी शुभ और मारा लिए भी शुभ। या हुई ना काम की बात। ठीक है भाई, ठीक है। ले बैठो देव, मैं पानी लेके आती हूँ। चलो देव। अरे अपना सामान कहाँ चला गया? अरे अभी तो यही था। हे भगवान, शायद अपनी किस्मत में ये भी लिखा था। चलो चलते हैं। किस खुशी में खाना बांट रहे हो? अरे हाँ,
ये खाना हम इसलिए बांट रहे हैं। अरे साला, अभी अभी हमको किसी आदमी ने कहा था कि नेताजी जन्मदिन मुबारक हो। अच्छा, तो आज आपका जन्मदिन है। अरे हाँ ससुर, आज के दिन तो हम पैदा हुए थे। अच्छा, तो बहुत बहुत बधाई हो नेताजी आपको जन्मदिन। वो क्या कहते हैं, हैप्पी बर्थडे है हमारा, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे नेताजी। नेताजी की जय। नेताजी की जय। माई खाना, माई खाना। देव, यहाँ बैठ जा थोड़ी। मैं कुछ करती हूँ, देख। चल नहीं सकता, चल नहीं सकता। मैं कुछ करती हूँ। रुको भैया, नहीं गाड़ी मुझे दे दो, मुझे अपने पति को खाटू श्याम बाबा के यहाँ ले जाना है। भैया भगवान के लिए दे दो। ये लो। ये लो भैया, भगवान तुम्हारा भला दे दे। श्याम जी ओ खाटू बिराजे श्री श्याम जी, हरे का सहारा खाटू वाला धाम, भक्तों का प्यारा खाटू वाला धाम। ओ खाटू विराजे, खाटू विराजे श्री श्याम जी, हरे का सहारा खाटू वाला धाम, भक्तों का प्यारा खाटू वाला धाम।
हारे का सहारा हाट वाला धाम, भक्तों का प्यारा हाट वाला धाम। कैसी खूबसूरती देखी नहीं, क्या माल है यार, क्या माल है, मजा आ गया, मजा। तो चलो लपेड़ ना चलो। सबसे यार क्या माल है यार, क्या मजा आ जाएगा। चलो भाई चलो। ये पूछते हैं तुम इतनी रात को यहाँ क्यों बैठी हो और कहाँ से आई हो? बंगाल से। बंगाल से? और आगे कहाँ जाओगी? कहो तो हम साथ ले चले। अपने पति को लेकर श्री खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए जा रही हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब तुम यहाँ से सुबह ही जाओगी हैं? हमारे साथ चलो, रात भर आराम से रहोगी। अब तुम जा रहे हो? मेरी मानो, हमारे साथ हमारे घर चलो, रात भर रानी बन के रहना, सुबह अपने पति को लेके निकल जाना। कहो कैसी गई? अरे साहब, हर चीज नहीं, किसी पराई औरत को ऐसी बात बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? क्यों
मिर्ची की तरह बातें करती हो, हमारे साथ चलो, क्यों नखरे दिखाती हो? हमारा कहने का मतलब वो नहीं था। तुम्हारा मतलब मैं अच्छी तरह समझती हूँ। भगवान के लिए हमें अकेला छोड़ दो। मेरी जान, हमारे साथ चलो, माला माल कर देंगे। क्यों इस भिखारी के चक्कर में अपनी जवानी खराब कर रही हो? तुम जो चाहोगी वही मिलेगा तुम्हें। क्या कर सकते हो तुम? ये देखो। नहीं, क्या क्या हुआ इसे? इन्होंने भी तुम्हारी तरह एक पराई औरत पर निगाह डाली थी और यही पाप किया था जो अब तुम करने जा रहे हो। और अगर अब भी तुम्हारी समझ में नहीं आता है तो ये कर लो अपनी काम वासना पूरी। नहीं बहन, मत रहो। नहीं बहन, हम वासना की आग में अंधे हो गए थे। हमें माफ कर दो बहन, हमें माफ कर दो बहन। देख मुसीबत रुक मत जाना, चलता जा तू मत घबराना। देख मुसीबत रुक मत जाना, चलता जा तू मत घबराना। आगे मिलेंगे प्रभु श्याम, आगे मिलेंगे प्रभु श्याम। हारे का सहारा खाट वाला धाम, भक्तों का प्यारा खाट वाला धाम। भाई, यहाँ से श्याम बाबा का स्थान और कितनी दूर है? यहाँ से श्याम बाबा चार कोस दूर है। चार कोस? तब तो हमें बाबा के दर्शन जरूर हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। आप कहाँ से आए हैं? बंगाल से। इतनी दूर से? जय हो श्याम प्रभु तेरी जय। श्याम शरण में जो कोई जाए, रोग दोषी कोई निकट न आए। श्याम शरण में जो कोई जाए, रोग दोषी कोई निकट न आए। चरणों में कर प्रणाम, ओ चरणों में कर प्रणाम। हारे का सहारा खाट वाला धाम, भक्तों का प्यारा
खाट वाला धाम। का सहारा खाटू वाला पताका और ये बांस चाहिए। पैसे हैं? पैसे तो नहीं है भैया, पैसे तो सारे ही खत्म हो गए। जाओ यहाँ से, तुम्हें देख के कोई और सामान लेने भी नहीं आएगा। जाती हुई या पगली कहीं की? पगली? मैं पगली? मैं पगली हूँ? मैं पगली हूँ? पगली हूँ मैं? श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय
सच्ची, अभी श्याम बाबा का मंदिर नहीं आया सच्ची। अब कितना दूर चलना पड़ेगा सच्ची। देव, लगता है हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। यहाँ से श्याम बाबा का रास्ता नहीं जा रहा है। सच्ची, हम श्याम बाबा के दर्शन नहीं कर सकते। नहीं देव, नहीं देव, ऐसा मत बोलो देव। मैं श्याम बाबा के दर्शन जरूर करेंगे। मैं मर जाऊंगा सच्ची। हे श्याम बाबा, हे श्याम बाबा, हमें रास्ता दिखाओ। इतनी जिंदगी भर भटकने के बाद अब हम सही रास्ते पर आए थे और आज फिर तूने गलत रास्ता दिखा दिया। और कितनी परीक्षाएं लेगा हमारी, और कितनी बार हमें भटकना पड़ेगा। मैया, ओ मैया, आके खोलो मैया। देखो मैं तुम्हारे लिए पानी लाया हूँ। कौन हो तुम बेटा, और इतनी रात को अकेले यहाँ? मैं अकेला थोड़ी ना हूँ भैया, तुम हो ना मेरे साथ। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? गोपाल। कितना प्यारा नाम है गोपाल। अब बातें ही करोगे भैया या इन्हें पानी भी पिलाओगी? मैं तो तुम्हें देखते हुए यही भूल गई कि जिसके दर्शन के लिए मैं इतनी दूर से आई हूँ, कहीं वो तुम ही तो नहीं? नहीं मैया, वो तो वहाँ मंदिर में बैठा है। चलो मैं मंदिर तक का रास्ता बता देता हूँ। हाँ चलो बेटा, चलो। मंदिर आ गया। क्या 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 यही है श्याम का दरबार? हाँ मैया, यही।
गोपाल, अभी तो यही था। देव, देव, देखो देव, मैंने कहा था ना आपसे कि हम श्याम बाबा के दरबार में जरूर पहुंचेंगे देव, और आज हम आखिरकार श्याम बाबा के दरबार पहुंच ही गए देव। चलो देव, चलो। सुन ले तू
मैंने कहा था ना आपसे कि हम श्याम बाबा की दरबार की चौखट पर बैठे, देखो देखो हम श्याम बाबा के दर पे बैठे हैं, अब बाबा शीघ्र ही हमें दर्शन देंगे देव। हाँ सर, हाँ तुम ठीक कहती हो, तुम ठीक कहती हो, लेकिन बाबा हमें दर्शन कहाँ देंगे सर जी? नहीं स्वामी, ऐसा मत कहो। श्याम बाबा के पट अब थोड़ी देर में बस खुलने ही वाले हैं देव, श्याम बाबा के पट अब खुलने ही वाले हैं। लेकिन बाबा अपने भक्तों के साथ होली खेल रहे हैं, लाल गुलाल लगवा रहे हैं और मैं तो क्या हुआ? मैं भी श्याम बाबा को गुलाल लगाऊंगी। मगर मेरे पास गुलाल तो है ही नहीं, गुलाल नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हें लाल रंग बहुत पसंद है ना श्याम बाबा? लाल रंग बहुत पसंद है ना तुम्हें? Thank you.
अभागन को माफ कर दो। मैंने तुम्हारी हस्ती खेलती जिंदगी में अपने कुकर्मों का जहर घोला है, अब तुम भी मुझे क्षमा कर दो। और इसकी सजा मुझे मिल गई है और मैं भी अब श्याम बाबा की भक्त हूँ और आज से ही मैंने उनका गुणगान शुरू कर दिया है। नहीं बहन, क्षमा करने वाली मैं कौन होती हूँ? क्षमा मांगनी है तो श्री श्याम घड़ी दातार से मांगो, वो सबको माफ कर देते हैं। बोलो श्री श्याम घड़ी दातार की जय। खाटू बिराजे श्री श्याम जी, ओ खाटू बिराजे श्री श्याम जी। हरे का सहारा खाटू वाला धाम, भक्तों का प्यारा खाटू वाला धाम। ओ खाटू विराजे, खाटू विराजे श्री श्याम जी। हरे का सहारा खाटू वाला धाम, भक्तों का प्यारा खाटू वाला।